अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करते रहने के लिए, और इसी तरह सपोर्ट करते रहना ज़रूर से। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस ब्लॉग की तरफ। आज हम लोग इस वीडियो में आपसे टॉप विजिटिंग प्लेसेस जो कतर में है उस प्लेसेस को दिखाने वाले हैं, और उस प्लेस का इम्पोर्टेंस जो है उसको शेयर करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस हम लोग विजिट करने जा रहे हैं वो है सूक वाकिफ। यानी ये जो सूक वाकिफ है दोहा में मीट अप द सिटी है एक, और एक ये है मार्केट प्लेस फेमस है। यानी यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और यहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ देखने को मिलती है, अलग अलग चीज़। यहाँ पर एक चीज़ है एक चीज़ नहीं है बोलते नहीं, हर एक चीज़ अवेलेबल रहता है, जैसे कपड़े चप्पल और जो घर के जो सामान है हर तरह का सामान, पेट्स और टेक्सटाइल, हैंडक्राफ्ट और अलग अलग तरीके के फूड भी अवेलेबल रहते हैं। यानी यहाँ के लोकल का कल्चर को आप एक्सपीरियंस करने के लिए बेस्ट प्लेस है सूक वाकिफ। और यहाँ ना हर तरह के आर्किटेक्चर का एक अलग मॉडर्न है, यानी इन लोगों का पुराना जो ट्रेडिशनल है उस ट्रेडिशन को ये लोग फॉलो करने के लिए यहाँ का आर्किटेक्चर जो मॉडर्न है, ये दिखने में ओल्ड स्टाइल दिखता है बट ये बहुत मॉडर्न स्टाइल है। और ये एक बेस्ट प्लेस है, आप ज़रूर विज़िट करना सूक वाकिफ। तो जो नेक्स्ट प्लेस हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं वो है मीना डिस्ट्रिक्ट। यानी ड्यूरिंग फीफा के दौरान ये लोग एक ऐसा विजिटिंग प्लेस ओपन कर दिए है पर टूरिस्ट के लिए। माशाल्लाह एक खूबसूरत प्लेस बन गया है। यानी जो पहले ओल्ड पोर्ट था उसी को ये लोग मीना डिस्ट्रिक्ट बोल के ओपन कर दिए थे, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिप्स देखने को मिलेंगे। सब वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मेन ऐड है वो ऐड है शिप ऐड, और उसके साथ ही एक कलरफुल बिल्डिंग्स ये लोग बना दिए हैं माशाल्लाह, उतने डिम लाइट्स। यहाँ अब उस बिल्डिंग में ही आपको अलग अलग बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, केफ्स और शॉपिंग एरिया नज़र आएगा। और जब फेस्टिवल्स और कुछ स्पेशल ओकेशन होता है तो ये इतना अच्छा डेकोरेट कर देते हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा रहता है देखने के लिए। ये बीच फ्रंट है और यहाँ से आप कार्निश का व्यू बहुत खूबसूरत से दिखेगा, तो आप ज़रूर जाकर विज़िट करें इस प्लेस को। ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है कतर में। और जो नेक्स्ट प्लेस हम लोग विजिट करने जा रहे हैं वो है कटारा, यानी कटारा कल्चरल विलेज भी कहते हैं। ये भी मिड ऑफ द सिटी दोहा में ही है, और यहाँ आपको अलग अलग तरीके का आर्ट, कल्चर, हेरिटेज और बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ हर एक टाइम भी कोई ना कोई इवेंट तो कंडक्ट होता ही रहता है, जैसे परफॉर्मेंस, एग्जीबिशंस, वर्कशॉप, इवेंट्स। और ये एक अलग और कल्चरल एक्सचेंज प्लेस है। और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गैलरी, बुक्स गैलरी, यानी यह एक इस्लामिक सेंटर भी है जहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होंगे इस्लाम के बारे में और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, यहाँ के लोकल कल्चर के बारे में भी। उसके साथ ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, आउटडोर स्पेस और एक बीच फ्रंट भी है। यहाँ का बीच माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रहता है, ये बहुत अच्छा प्लेस है। और यहाँ आप कतरी ट्रेडिशन को देखने के लिए बहुत अच्छे चीज़ें अवेलेबल है, तो आप ज़रूर जाकर एक्सपीरियंस करिए कटारा को। जू बोले तो आप सबको मालूम ही है, लेकिन यहाँ का जू माशाल्लाह इतना बड़ा है, अलखोर जू, और इतना अच्छा ब्यूटीफुल रहता है, अच्छा ग्रीनरी रहता है, और वहाँ पर क्लाइमेट हमेशा बहुत अच्छा रहता है। और हम लोग गए थे उस टाइम माशाल्लाह इतना खूबसूरत था, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक इतना बड़ा प्ले एरिया है बच्चों के लिए, बच्चों को, और एक अच्छा फैमिली पिकनिक एरिया है उसके साथ ही। और यहाँ हर तरह के एनिमल्स है, टाइगर, लायन और बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स में कैटेगरी रहते हैं सब कैटेगरीज को हम देखे थे। और जैसे ज़ीब्रा, ज़िराफ़ी और बर्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स अवेलेबल थे। अब ज़रूर जाए ज़ू को, ये एक बेस्ट प्लेस है। एक्चुअली बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा प्लेस है, बच्चों को रियल से एनिमल्स को देखने का एक्सपीरियंस के साथ साथ वो लोग एंजॉय करने के लिए जो इतना बड़ा प्ले एरिया है वो भी अवेलेबल है। माशाल्लाह हमारा पिकनिक तो बहुत अच्छा था, आप भी जाइए और जाके हमें शेयर करिए आपका एक्सपीरियंस कैसा था बोल के।
तो नेक्स्ट प्लेस जो हम लोग विजिट करने जा रहे हैं वो है पर्ल कतर, यानी जो पर्ल जुमेरा जैसे फेमस है दुबई में, वैसे पर्ल कतर भी फेमस है कतर में। जो दरिया के बीच ये लोग बनाए थे पर्ल के शेप में एक रेजिडेंशियल एरिया, ये एक वन ऑफ द लग्जेरियस एरिया है और वेरी एक्सपेंसिव एरिया भी कहा जाता है पर्ल को। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स के बिल्डिंग और आर्किटेक्चर माशाल्लाह इतना खूबसूरत रहता है कि दो जैसे हर एक स्ट्रीट में भी आपको वाटर फ्रंट दिखता है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत एक अलग ही सोसाइटी है यानी पर्ल का। अब कभी जाओ नॉर्मल टाइम पर भी इतना खूबसूरत डेकोरेट होकर रहता है पर्ल सिटी माशाल्लाह। यहाँ भी बहुत सारे इवेंट्स कनेक्ट होते हैं, जो ये भी इवेंट हम लोग गए थे तब फीफा के दौरान हो रहा था ये भी इवेंट माशाल्लाह। हम बहुत एंजॉय किए थे पर्ल को जाकर, आप भी जाइए और ज़रूर एक्सपीरियंस करिए। और जो नेक्स्ट प्लेस हम लोग विजिट करने जा रहे हैं वो है लुसेल बुलिवार, यानी ये लुसेल 2030 का प्रोजेक्ट में ही आता है ये भी। तो ये एक मीडा भी लुसेल में अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है ये लोगों का। आप किधर भी देखेंगे तो सेम बिल्डिंग्स अवेलेबल दिखेंगे आपको दिखने के लिए, और बहुत कलरफुल और माशाल्लाह बहुत अच्छे रहता है ये स्ट्रीट्स और सब। यहाँ पर आपको ट्रैम भी अवेलेबल है, बट अभी वो इसका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है ट्रैम का, बट इन फ्यूचर अवेलेबल होगा ज़रूर ट्रैम। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे गेमिंग, बड़े बड़े गेमिंग शोज़ है बच्चों के लिए, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग एरिया है, और उसके साथ ही जो ईद के सेलिब्रेशंस वगैरह है यहाँ पर बहुत अच्छा कंडक्ट किया जाता है। जो फीफा फाइनल टीम जो जीती थी उनको यही स्ट्रीट में लेकर गए थे, और इतना क्राउड था उस टाइम माशाल्लाह। ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए, कतर में ज़रूर विजिट करें। और बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे वीडियो को अब तक देखते रहने के लिए। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आपके फैमिली फ्रेंड्स हर एक के साथ शेयर करें, और उनको भी एक रिक्वेस्ट करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बोल के। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।